हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने लेआउट लगा दिया। लेआउट कैसा लग रहा है? और लेआउट में लिखा भी होगा पोकेमॉन पर्ल नजलॉक। तो आज से हम लोग पोकेमॉन पर्ल का भी नजलॉक खेलेंगे और पोकेमॉन ग्लेज रिबॉन का भी नजलॉक खेलेंगे। नजलॉक के जो रूल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और तब भी मैं कुछ रूल्स बताया था नजलॉक के। उसमें हम लोग को अपना हर एक पोकेमॉन को निकनेम करना होगा, और जो पोकेमॉन एक बार फेंट हो जाए उसको हम लोग डेड कंसीडर करना होगा। फिर हम लोग उसको वापस यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सभी को अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस देना होगा, तभी लेवल अप होंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने गया नहीं था, यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है। योर पोकेमॉन हैज़ अ हार्डी नेचर, डू नो व्हाट्स द पोकेमॉन नेचर इट रिमाइंड्स हाउ इट ग्रो। हाँ, ये तो मुझे पता है। पोकेमॉन के नेचर से उसका जैसा नेचर होगा उसके हिसाब से उसका एचपी स्पीड या फिर ऐसे ही कुछ वो सब बढ़ते रहता है, उसी पे डिपेंड करता है ये सब। और बोला था पोकेमॉन का अब से तो हम लोग नजलॉक खेलेंगे। नजलॉक के रूल्स जो है मैंने कुछ बता दूंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, यहाँ पे केव है। उससे पहले इस घर में हम लोग चलते एक बार, जा नहीं सकते तो केव में। अभी मैं देखता हूँ केव में क्या है। क्या थे इस केव का क्या नाम था? सर्कैनियन र्यून्स दिख तो रहे है नहीं कुछ यहाँ पे, कुछ नहीं है इधर भी। चलते हूँ इधर भी क्या कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है इधर तो। इधर तो बिगा मतलब कि हम लोग आए हैं स्केप रूम, ठीक है। ड्यूज मैन कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। फाइट किया क्या लग तो रहा है। दिस स्पेस इज स्टीमिंग विद द अननोन, देयर हैज टू सम मीनिंग टू दिस, द ट्रूथ इज आउट हियर, आई एम स्टार्ट सर्च बाय बैटलिंग यू। ठीक है, बैटल कर लो मुझसे। और लेआउट के बारे में बोलना कमेंट में, जो कैसे लग रहा है लेआउट और क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है। और अब तो हम लोग बहुत समझ के खेलना हो, क्योंकि नजलॉक राउंड है, नजलॉक रूल्स है। तो उसमें एक पोकेमॉन अगर एक बार फेंट होता है तो उसको हम लोग हमेशा के लिए फेंट माना जाएगा। और मैंने अपने लास्ट एपिसोड में एक लेजेंडरी हैच हो गया था, मैनाफी जो एग था उसका वो हैच हो गया। तो मेरे पास मैनाफी अब आ गया है। तो मडी को अब मैं मेन वाटर टाइप, मेन ग्राउंड टाइप बना के रखूँगा, और मैनाफी उसको वो रहेगा वाटर टाइप हम लोगों का। ब्रॉन्ज और तब तो मुझे वॉरियर को निकालना चाहिए थे, कोई बात नहीं। फेंट होने की तो उम्मीद कम है, लेकिन हो गया, बहुत बढ़िया। बर्डी को मैं एक्सपीरियंस दे रखा है, तो मैं बर्डी से अभी एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। और मैं देता हूँ हैपनी को, इससे करना है टेक और गिव टू हैपनी, एक्सपीरियंस दे दिया मैंने हैपनी को। और यहाँ पे दो और, ओहो इतने सारे थ्रीम्स ऐसा बना हुआ है यहाँ पे। तो इधर क्या है, कुछ है कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। और ये सब केव में कहीं भी जाओगे तो अपने पास स्केप रूप रखना, बिना स्केप रूप के बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इधर मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या है। ओ पॉकी बॉल्स, रियर कैंडी और इंसेंस, और इंसेंस वाइट टू में मैंने देखा था कुछ होते हैं कि नहीं पता मुझे क्या है। द यूनिवर्स फॉर क्रिएटेड इज शार्स बिकम इस प्लेट, क्या था ये माइंड प्लेट, ये नहीं पता मुझे क्या था। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अननोन है ये, अननोन जैसे बने हुए हैं, तो अननोन के लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कुछ। यहाँ पे जगह है जाने का, कुछ नहीं इधर भी। यहाँ से वापस चलता हूँ। मैंने एक यून का, हम लोग ने एक लैडर छोड़ दिया था, ये था क्या शायद, ये था वो लैडर, नहीं तब यही लैडर होगा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये ड्यून तो, ये होगा तब। हाँ यही था, यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे पहुँच के ठीक है, अब समझ में आ रहा है। इधर से भी ऊपर और इधर से हम लोग आए थे, इससे भी बैटल हम लोग कर ही रहते हैं। सबसे बैटल किया तो इससे क्यों, क्या बोल रहे हैं ये,
कुछ तो बोला है इसने, मैं पढ़ नहीं पाया क्या बोला, लेकिन तुम लोग तो पढ़ ही लिए होंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग कि रिकॉर्डर से पढ़ना थोड़ा इजी होता है और ऐसे खेलते खेलते पढ़ना हल्का हार्ड हो जाता है। इधर चलना था क्या हम लोगों को? नहीं, तब किधर चलना था? ये था के रूट, ये भी रूट नहीं है, तब ये होना चाहिए यहाँ से। हाँ रूट मिल गया, अब ये एग्जिट है, इधर भी कुछ नहीं, इधर चलना था। ठीक है, वापस हम लोग बाहर निकल गए। तो उस लड़के के लिए ही हम लोग को ये मिशन था, मुझे अब समझ में आ गया है ये मिशन किस लिए था। और एक जो हम लोग घर वहाँ पे छूटा हुआ था उसमें हम लोग चलना था। और अब हम लोग के हैपनी भी हल्का हल्का एक्सपीरियंस उसको ही मिलते ही रहेगा। फिर से मेरे ख्याल से मैं गलत, नहीं नहीं इस बार मैं सही रूट पे आया। फिर देखते क्या है। चाहिए कब अपने घर पहुँच गया। आई वॉन्टेड टू गिव समथिंग सम यू सील्स बट यू डोंट हैव अ सील केस, यू शुड टॉक टू माई मॉम। ठीक है, बात करते हैं। यू कैन कस्टमाइज पॉकेटबॉल अबाउट अफिक्सिंग सील्स ऑन देम और यू डोंट हैव अ सील केस। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, मिल गया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट चेक द हेडिंग बॉल कैप्सूल इन योर पीसी, नेक्स्ट चूज अ कैप्सूल एंड अप्लाई ऑन द सील्स। ओके, व्हेन यू आर डन पुट द कैप्सूल ऑन अ पॉकेटबॉल। ये बात है, इससे बात करते हैं। आई एम यूजिंग सील्स एंड लर्न द अल्फाबेट। ओ, ये अल्फाबेट सीख रहे हैं सील्स से, अजीब बात है ये तो। यहाँ पे पीसी में बोली थी वो चलने के लिए, आ गया पीसी में, ध्रुव पीसी में आया था बॉल कैप्सूल। हाँ इसी में आया था। क्या था ये? बॉल कैप्सूल कैन बी यूज बिकॉज यू डिडंट हैव एनी सील्स। वो तो मेरे को सील्स भी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सील्स मिल जाएगा तो फील करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। और चलते हैं हम लोग आगे। मैं पॉकीमॉन में कुछ चेंजेस करता हूँ ऑर्डर में, किंग जो कि हम लोग को बहुत ही करीब लेवल अप होने के। किंग को करते हैं हम लोग टॉप पे स्विच करके, और इधर से मैं चलता हूँ साइकिल से। ये तो कौन है? मैटो हो, आई विल शो हाउ टू टाइटली आई बॉन्डेड विद माई डॉटर। ठीक है, चलते हैं फाइट करते इससे भी। मैंने उस केव में ज़्यादा टाइम लगा दिया है। स्टंकी और ग्लैमियो किंग वॉरियर दोनों हरा देगा। अभी मैं बाइट अटैक करता हूँ ग्लैमियो पे और फ्लेम व्हील स्टंकी पे। स्टंकी तो फेंट हो गया, बहुत बढ़िया। हैपनी को तो एक्सपीरियंस मिलते रहे, वही बच जाएगा लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5 भी लेवल 5, बहुत बढ़िया। हैपनी बस लेवल अप होते रहे धीरे धीरे। और फ्लेम व्हील से ग्लैमियो भी फेंटेड, बहुत बढ़िया। वॉरियर को मिल गया और किंग लेवल 30, मतलब किंग हो गया हम लोग को इवॉल्व। किसमें? लग्जरी में। हैपनी लेवल 6, ये बहुत बढ़िया बात हुई। What? King is evolving. Yes. हम लोग इवॉल्व और बन रहा है हम लोग का किंग लग्जरी बन गया। लग्जरी बन गया हम लोग किंग। हम लोग के पास आ गया है अब तक दूसरा लास्ट इवोल्यूशन वाला पोकेमॉन। ये क्या है? ये क्या है? कैफे कैबिन। कैफे कैबिन में जाके मैं देखता हूँ क्या है कैफे कैबिन में। क्या है इसके अंदर? ये तो फाइट करेगी। ये जंक चाहे हैव यू सीन द साइड है हेडर लाउ सर? बिल्कुल सर, आई पॉकेट दैट स्टफ फ्रॉम द कोकनी हेडर। आई एम अफ्रेड वी हैव टू वेट देम फॉर टू गेट बेटर। हाउ डू डाइवर्ट सम ऑफ योर कस्टमर्स आर हाउ डू टाइप दैट वांट टू बैटल बट पे इट नॉट माई स्टे अ वाइल। मोमो मिल्क 500 में। ओ पॉकेमॉन वाइट टू में बस 100 मिलता था, ये इसमें 500 मिल रहा है। बहुत महंगा इसमें मोमो मिल्क को, और एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा खासा रहता है मोमो मिल्क से। साइड एक फाइट किया क्या साइड एक? देखते हूँ मैं क्या करेगा। चल तो यहाँ पे रास्ता हम लोग ब्लॉक किया हुआ है, उधर चलना है। यहाँ पे पॉकेबॉल मैं देखा हूँ
ऑफ कैमरा मैं उसको ले लूँगा जब आऊँगा, कि ऑफ कैमरा मैं ट्रेनिंग करने के लिए आऊँगा ही। इधर कुछ है क्या? ये पेड़ कुछ अजीब टाइप से लग रहा है, शायद यहाँ पे स्वीट सेंट है हनी में, एयर में, इसके मतलब यहाँ पे हनी था तो हनी मिल गया हम लोगों को। और यहाँ पे होगा बैटल, बैटल होगा, बैटल तो करना ही होगा, करते हैं बैटल। एपिसोड में सोचा हूँ यार एपिसोड में तो छोटा ही रखूँगा, नेक्स्ट सिटी पहुँच जाए। ब्रॉन्ज़ किंग इफेक्ट करेगा क्या ज़्यादा? और लेआउट मुझे पता है उतना ही बढ़िया लेआउट नहीं है, लेकिन क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, ये मुझे पक्का बोलना। और टॉप एश का जो बेस्ट टीम वाला जो थ्योरी मिलाया था वो कैसा लगा वो भी मुझे इस कॉमेंट में भी बताना, इसके कॉमेंट में भी बताना। और क्या क्या मैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी मुझे बता देना। और नज़लॉक राउंड है तो इसलिए बहुत ही समझ से खेलना होगा, एक भी पक्षी हम लोग फेंट करते हैं तो हम लोग उसको बाद में यूज नहीं कर पाएंगे। सेफ पोशन तो अपने हम लोग को अपने पास रखना ही होगा, जो कि मैं इस पर एक भी पोशन अपने पास नहीं है, मुझे पिछले सिटी से ही खरीद लेना चाहिए था पोशन, मैंने खरीदा नहीं। बहुत कम डैमेज किया तब तुमने स्विच करना हो, ग्राउंड टाइप है तो मैं अभी चलो उसमें स्विच कर देता हूँ। टॉन्ट अटैक से कुछ होगा नहीं तो भी पॉकीमॉन स्विच करते हैं। हैपनी का भी लेवल 7 ही हुआ है अभी, तो अभी लेवल अप करना है हैपनी को, बहुत कम से कम लेवल 27 भी हो जाए उसके बाद में बैटल में उसको यूज़ करेंगे, अभी तो बैटल में हम यूज ही नहीं कर सकते उसको। टॉन्ट अटैक ये सब फालतू अटैक कुछ नहीं होता इस सबसे, मुझे पता है इंडियोवर एक फालतू अटैक लगता था लेकिन इंडियोवर बहुत ही बढ़िया अटैक है। जितना इंडियोवर को मैं समझते थे फालतू अटैक उतना है नहीं। हो गया इससे फाइट, बॉकी बॉल है इधर, लेते हैं बॉकी बॉल। फाउंड एथर, हाँ ये तो बहुत काम की चीज़ है। इधर चलते हैं, ये तो बैटल गया क्या? ओहो TM 66 दे रहा था इसलिए ये बैटल करने का मूड में ही था, TM वाले ऐसे ही बैटल करने के मूड में नहीं रहते हैं। इसको मैं कट यूज करता हूँ, क्या ठीक वो भी कुछ दे। पॉकी बॉल था यहाँ पे, पॉकी बॉल तो लेना ही हम लोगों को। आई एम सूजिंग यू क्लैम आई एम एयरली फीलिंग स्लीप या सो लेट्स बैटल जज ऑडियम। मैनी टाइट को तो अपना किंग हरा देगा, पक्ष मैच करते हैं किंग नहीं तो हमें बर्डी को निकाल देंगे। फाइटिंग टाइप भी है, बहुत ही बढ़िया टाइपिंग है मैनी टाइट का, साइकिक का फाइटिंग टाइप। क्या हो गया ये पिछला अटैक हम लोग रॉक स्मैश से पहले जो रॉक स्मैश किया है ये तो वो हम लोग काम नहीं किया उस रीजन तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में खेल रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है पता नहीं चल रहा है। प्रोटेक्ट यूज किया था उसने इसलिए नहीं काम किया था। ठीक है एक बार प्रोटेक्ट मत यूज करो। फेंटेड मेनी टाइट बहुत बढ़िया, हैपनी को भी 2-3 एक्सपीरियंस मिला, चार्म सीख गई हैपनी। लेवल कितनी हुई हैपनी की? 9 हो गया। माचा आप चेंज करते हैं स्विच पॉकीमॉन टू बर्डी, तो अब हम लोग सबको बराबर एक्सपीरियंस देते रहना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी टफ मैच हो गया, कोई टफ ट्रेनर मैच है जिम मैच, तो उसमें फिर हम लोग बहुत ही आराम से आ जाएंगे। और इसमें अगर ऐसा होता है अगर हम लोग का पूरा पॉकीमॉन अगर हम लोग हार जाए किसी भी ट्रेनर से तो हम लोग अपना लास्ट जिम मैच जीते थे वहाँ से हम लोग को रिस्टार्ट करना होता है, तो जो जिम मैच होते हैं वो एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है इसमें, और चेक पॉइंट की तरह काम करें इसके मतलब समझ गए होंगे क्योंकि वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ से हम लोग रिस्टार्ट कर सकते हैं। नजलॉक के तो बहुत सारे रूल्स हैं और नजलॉक में अगर हम लोग अब एक एरिया में एक नया एरिया में जाते हैं उसमें एक ही पॉकीमॉन पकड़ सकते हैं, इस रूल में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसमें हम लोग कोई भी एरिया जाएंगे वहाँ पर हम 2 पॉकीमॉन पकड़ेंगे।
और अगर वो दो पोकेमोन एक ही टाइप के हो तब नहीं पकड़ना है, अगर वो दो पोकेमोन अलग अलग टाइप के हो तभी हम लोग पकड़ सकते हैं। ऐसा मैं खुद से एक रूल बना रहा हूँ। ये कौन सी जगह है? ट्रेनर टिप्स थी। हाँ ट्रेनर टिप्स। पोकेमोन अटैक के बारे में ये बोल रहे हैं, फिजिकल अटैक और स्पेशल अटैक, ये तो पता था मुझे। चलो बैरी था, बैरी में ले तो बैरी मिस नहीं करना कोई भी। वहाँ पे पीछे हमें एक बैरी, हम लोग लास्ट भी मिस करके कर, जब मैं एक बार पॉकी बॉल लेने जब जाऊँगा उसको भी तब ले लूँगा। प्लांट बिल्कुल नहीं करना बैरी को, प्लांट करना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ प्लांट। ठीक है ले लिया हम लोगों ने बैरी। कौन सा पॉकीमोन है? कोई रेयर पॉकीमोन है क्या? कडाब्रा टीम में रखे क्या? लेकिन जब कडाब्रा एक्सम जब बन ही नहीं सकता तब टीम में हम लोग क्या करेंगे? क्यों मैं ट्रेड, मुझे नहीं लगता मैं किसी के साथ करूँगा ट्रेड, और बिना ट्रेड का बनेगा नहीं। इधर देखता हूँ, इधर बस पॉकी बॉल है। ठीक है तब उधर ही चलना था हम लोग को। गार्ड स्पेक इसका भी देख लूँगा इससे क्या होता है। ये कौन आएगा? एक आबड़ा साइकिल टाइप में मुझे उतना गेंगार, साइकिल टाइप में अलग जहाँ मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। आई क्यू उसका सबसे ज़्यादा हो, लेकिन तब भी अपना अपना चॉइस है। कट करते इसको। ये बैटल होगा। एवरी ड्रॉप ऑफ स्वीट एसिड मेक्स इट मच स्ट्रॉन्गर। ये एपिसोड में बहुत छोटा होगा लेकिन छोटा हो नहीं रहा है, तो इतने सारे बैटल्स हो रहे हैं क्या कर सकते हैं। क्रोगंग, क्रोगंग पॉइजन टाइप पोकेमोन स्पार्क करते हैं, हार जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हारे तो कुछ नहीं कर सकते। अपनी लेवल अपनी हुआ उसका, कोई बात नहीं। स्विच करते इसके लिए हमें बर्डी में, जो फाइटिंग टाइप है फ्लाइंग टाइप एडवांटेज होता है। एरिया एज से मैं बहुत कम यूज करूँ, तो एरिया एज पर मैं सोच रहा हूँ यूज करने का। और किसी भी चीज़ की क्वारी करना हो पॉकीमोन के गेम्स के बारे में या इस गेम के बारे में या ग्लेज जीवन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में करना, और लेआउट के बारे में कुछ पूछना हो या मुझे कुछ एडवाइस देना हो ऐसे बनाया जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करना। तो लेआउट से बनाते फोटोशॉप टच से, लेकिन मैंने बस एमएस पेंट से बनाया लेआउट अपना। फोटोशॉप टच ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन मेरे मोबाइल में सपोर्ट किया नहीं वो, इससे मुझे एमएस पेंट से बनाना पड़ा। यहाँ पे कट यूज करके वो पॉकीबॉल लेते हैं। यहाँ पे ट्री है, कुछ ना कुछ रेयर होगा इसमें। टीएम था शॉक वेव, शॉक वेव में लग्जरी को सिखा दूँ क्या? ये फाइट नहीं करेगा, ये फाइट नहीं करेगा तब तो हमें वो बात करना चाहिए इससे। जॉगिंग इज गुड फॉर यू बट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव नॉट ओवर डूइंग इट। बिल्कुल। इधर भी है पॉकी बॉल, लेते हैं इसके भी। फुल हील था इधर, ठीक है। यहाँ पे साइकिल टाइप पॉकी मॉल है। अलग कजैम बन जाए बस कडाबरा, अगर बिना ट्रेड के बने तब मैं पक्का करता। एक लास्ट इवोल्यूशन मुझे बहुत पसंद आता है। आई विल बैटल एनी वर्ड डैश हाउ आई विल बी बैट आई विल बेटर। आई एम टेकिंग द वेरी स्टोन जिम चैलेंज बट फर्स्ट वॉट अच्छा वेरी स्टोन सिटी बहुत ही पास है हम लोग का। क्लेमियो और मोनफोर्नो, मोनफोर्नो वर्सेज इन्फर्नी मजा ये मैच में। तो बाइट करते हैं क्लेमियो को, क्लेम फील करते हैं मोनफोर्नो को, जो मोनफोर्नो उसे इन्फर्नी में करना चाहते हैं। मार्च पंच जिसने सीख लिया क्या? मैंने अपने पॉकेट में नहीं सिखाया था मार्च पंच। हिप्नोसिस, ओ कौन स्लीप हो गया? वॉरियर, कोई बात नहीं। अभी मैं टैकल से आता हूँ ग्लेमियो को, और इन्फर्नी अगर वेकअप हो जाए तब तो बहुत बढ़िया बात हो। लग तो मुझे नहीं लग रहा कि वेकअप होगा इन्फर्नी।
38 का हो गया वॉरियर, टोरमेंट कर रहा है यहाँ पे मूनफोर्न, नो टोरमेंट बट बहुत ही बेकार मूव होता है ये सब। कडाबरा टैकल मैंने क्यों यूज कर दिया, ओहो टैकल मैं यूज कर भी नहीं सकती क्योंकि टोरमेंट था। क्या कर रहा हूँ मैं, तब मैं यहाँ पे रॉक स्मैश यूज करता हूँ मूनफर्नो पे, जो मूनफर्नो अभी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। नहीं कडाबरा कन्फ्यूजन हो, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि आप नजलॉक खेल तो बहुत ही समझ के करना होगा। मुझे लग रहा है फेंट ने कर दिया आप वॉरियर को, वॉरियर बस एक बार बस पिकअप कर जाए, बस वॉरियर फेंट ना हो, यही बस चाहिए, वॉरियर बस फेंट ना हो, बहुत बढ़िया वॉरियर। मूनफर्नो फेंटेड, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हैपनी लेवल 12, ठीक है हैपनी का भी लेवल अप होते रहे। कंफ्यूजन फेंट नहीं बस यही चाहिए था, बस फेंट नहीं होना है और अपने ओपोनेंट को बस फेंट करना है फटाफट। किंग हो गया लेवल 32, वॉरियर नहीं हैपनी हो गई लेवल 13 की। हैपनी जल्दी जल्दी जितना जल्दी लेवल अप करे उतना बढ़िया होगा। गैरडॉस गैरडॉस ठीक है कोई बात नहीं, गैरडॉस है तो हम लोगों के पास अपना किंग है, किंग हरा देगा गैरडॉस को स्पार्क से ही। और किंग नहीं हरा पाया तो फिर क्लोज कॉम्बैक्ट से हम लोग को वॉरियर हरा देगा। क्लोज कॉम्बैक्ट इसी से आ जाएगा, नहीं इससे तो नहीं हारेगा, स्पार्क से तो अब हार ही जाएगा क्योंकि आधा से ज़्यादा एचपी तो कम हो ही गया था गैरडॉस का। हार गया है यहाँ पे गैरडॉस और हम लोग मेरे ख्याल से बहुत करीब पहुँच गया अब अपना नेक्स्ट सिटी की तरफ, इसको हारने में बहुत टाइम लग गया और 22 मिनट्स का ये एपिसोड हो गया। वह स्टोन सिटी हम लोग पहुँच गए बिल्कुल, वो बैरी मैं ले लूँगा पक्का लूँगा उसे बैरी, मैं ऑफ कैमरा जब जाऊँगा तो पहुँच गया हम लोग अपना वैली स्टोन सिटी। इधर मैं नहीं जाने वाला हूँ अभी, इधर ही हम लोग अपना एडवेंचर अभी इस एपिसोड के लिए ख़त्म करते हैं। टीम ग्लेशियन का वहाँ पे मैम ग्लेशियन नहीं क्या बोल रहा हूँ, टीम ग्लेशियाटिक का मेम्बर्स था वहाँ पे, तो इसीलिए मैं उधर नहीं जा रहा था क्योंकि उधर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे। और ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना और लेआउट के बारे में पक्का बताना, लेआउट में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। Oh, but we won't give you up.